जिन स्टूडेंट्स ने ट्रेड ऑक्यूपेशंस में स्टडीज करी है रिसेंटली देखने में आ रहा है वो एक रिपीटेटिवली सवाल पूछते हैं कि सर मैं जॉब रेडी करने रीजनल मूव हो जाऊं पर मेरे पास वहां पे जॉब नहीं है, पर मैं जाके देख लूंगा कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। दोस्तों एक बात समझे, पीआर बनती है मेन आपके ऑक्यूपेशन से, स्किल्स असेसमेंट से। ट्रेड ऑक्यूपेशन में स्किल असेसमेंट के लिए आपको जॉब रेडी प्रोग्राम करना पड़ता है जो कि 12 महीने का प्रोसेस है। इन द मिडल यानी जब आप 863 आवर्स कर लेते हैं और 6 महीने हो जाते हैं तो आप एक टेस्ट भी देते हैं। तो बेटर क्या रहता है, जब आपके पास जहां आपके पास जेन्युइन जॉब है वहां अपना जॉब रेडी चालू करें, अपने स्किल में अपने आप को माहिर करें। वंस आप माहिर हो गए तब एक अच्छे माइग्रेशन एजेंट से मिले कि मेरा 60% 70% जॉब रेडी हो गया, मेरे पास इतनी टीआर बची है, मुझे सलाह दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी स्टेट्स हैं वो 3 से 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट्स, और दे आर हैप्पीली स्पॉन्सरिंग पीपल। तो बेटर क्या है कि फर्स्ट फोकस ऑन दी जॉब, देन मूवमेंट का प्लान साइड बाय साइड बनाए, ना कि पहले मूवमेंट का प्लान, वहां जाके परेशान होना कि जॉब नहीं है और फिर क्रिटिसाइज करना ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया पीआर नहीं देती। ऑस्ट्रेलिया पीआर देती है, पर बंदे को फोकस होकर चलना पड़ेगा, स्किल असेसमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया को किस ऑक्यूपेशन की जरूरत है, तब पीआर मिलती है। बाकी अगर आपको कोई बतेरी जानकारी चाहिए, आई एम अवेलेबल एट सिडनी ऑफिस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाजवाई इमिग्रेशन .com। थैंक यू।